राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या में तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी मंगलवार यानी 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। यह 22 जनवरी तक लगातार चलेगा। राम मंदिर अभिषेक समारोह के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे। उन्हें 10 अलग अलग तरीकों से स्नान कराया जाएगा। राम मंदिर के वैदिक पुजारी सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लगभग 150 विद्वान भाग लेंगे। यह प्रार्थना मंगलवार को शुरू हो चुकी है, 22 जनवरी की शाम तक जारी रहेगी। यजमान की शुद्धि के लिए प्रायश्चित प्रार्थना की गई, विष्णु पूजा और गोदान भी किया जाएगा। मूर्ति को साफ करने के लिए बाद इसे मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसके लिए वह 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने खुद ट्रस्ट से रीति रिवाजों के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री 11 दिनों से उपवास कर रहे हैं, इस दौरान वह नियमों का पालन कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले वह पीएम मोदी बिस्तर पर नहीं सोएंगे, कठोर उपवास रखेंगे और केवल फलों का सेवन करेंगे। पीएम मोदी लकड़ी की चौकी या खाट पर सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण व्रत रखेंगे। पीएम मोदी विशिष्ट मंत्रों का जाप करेंगे। जटायु जी की मूर्ति उन सभी लोगों के प्रतीक के रूप में बनाई गई है जिन्होंने मंदिर के लिए बलिदान दिया है। पीएम मोदी खुद उनकी पूजा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मंदिर निर्माण में भूमिका निभाने वाले मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे।